कुछ लोग तो सो सो के थकते ही नहीं। राम श्राम के मतलब अभी सो के उठे, आराम क्या करना है? कोई सोता नहीं यार, मैं काम तो ये यार 5-6 दिन काम किया है सत्य में, 6 दिन यहाँ आयरा अपनी फुप्पो और अपने दो कजन से बात कर रही है जो के सऊदी अरेबिया में रहते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मेरी बहन अपने 2 बेटों के साथ सऊदी अरब मूव हो चुकी है पिछले साल। लेकिन आयरा के लिए स्पेशल सरप्राइज तो भी बाकी है। तो एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज जो मेरी बड़ी बहन है वो बेरगन से आ रही हैं अपनी 2 बेटियों के साथ, एदन और मदीना के साथ। तो किस्सा कुछ यूँ है कि अब माशाल्लाह आयरा 2 महीने से थोड़ी ज़्यादा उम्र की हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो हैं और जो मदीना और एदन हैं वो अभी तक आयरा से मिल नहीं सकी हैं। तो आप में से अक्सर लोगों को पता है कि कैसे छोटी ईद पर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और तब जो मेरी बड़ी बहन है और मदीना और एदन जो हैं वो यहाँ हमारे घर मौजूद थे। तो जो मेरी बड़ी बहन है वो बेचारी पूरा दिन जो हॉस्पिटल के बाहर बैठी रही कि शायद जाने से पहले उनकी मुलाकात आयरा से हो सके, शायद आयरा इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। लेकिन आपको पता है कि आयरा बीबी जो है हमारी, उन्होंने बहुत देर कर दी इस दुनिया में आते आते। तो जो बड़ी बहन है वो बेचारी मिले बगैर चली गई, उनके काम का मसला था, उन्होंने काम पर जाना था, तो इस वजह से उनको जाना पड़ गया। और फिर ज़ाहिर काम की वजह से ही पिछले 2 महीनों में वो चक्कर नहीं लगा सकी। तो फाइनली अभी समर वेकेशंस हैं तो उनको मौका मिला आने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मदीना, एदन और आपा जो हैं वो आयरा से मिलती हैं, तो उनका रिएक्शन कैसे होता है और ऑब्वियसली आयरा कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ हम रियान का व्लॉग देख रहे हैं सऊदी अरब से एक्सक्लूसिव। आयरा को देखें कितने ध्यान से देख रही है। आयरा अपने भैया को देख रही है। आपा लोग आ रहे हैं बेरगन से और ईशा जा रही है सुबह वापस। तो ईशा से पूछते हैं इसको कैसा फील हो रहा है। ईशा आप सुबह क्यों वापस जा रही हो? आप मतलब नहीं चाहती, आप मामा के साथ इधर नहीं रहना चाहती? जब मामा इधर नहीं थी तो आप इधर थी। ऐसे नहीं पेश करें आप। कैसे पेश करूं? नहीं मैंने काम करना चाहिए ना थोड़ा सा, मेरा फेरी अभी शुरू नहीं हुआ था सर, मैं तो वैसे ही बाकी आई हूँ। बाकी आ गई थी। तो आप कब वापस आएंगे दोबारा? जब वो फन वाले व्लॉग्स आगे आएंगे ना तब मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप दोनों के ख्याल में मदीना और एदन का क्या रिएक्शन होगा आयरा से मिलके? एदन मुझे लगता है थोड़ा सा झिझकेगी, शर्माएगी। हाँ। मदीना का भी ऐसे और आपा सबसे ज्यादा शर्माएगी। नहीं वो इंतजार कर ली। एदन का थोड़ा होएगा, देखना रिएक्शन के क्या करेगी वो। और आयरा का रिएक्शन क्या होगा? आयरा का वैसे भी वो रात 10:30-11 के आसपास पहुंच रहे होंगे, उस वक्त शायद आयरा सोने के मूड में हो। लेकिन मुझे पता है कि एदन का रिएक्शन होएगा, जो मेरा ख्याल है एदन का रिएक्शन होएगा कि वो शर्मू के ना थोड़ा थोड़ा करीब आएगी, झिझकेगी, शर्माएगी। और मदीना का मुझे पता है वो स्माइल कर रही होगी हल्की हल्की और आके पास कहेगी सही है। और आपा का मुझे पता है कि वो बहुत एक्साइटेड होंगी, क्योंकि वो तो पहले बहुत एक्साइटेड थी लेकिन मिल नहीं सकी थी पिछली बार। A few minutes later. तो इधर हो गया एक कांट। तो स्वीन को भी नहीं पता कि क्या कांट हुआ है। तो एक्चुअली आपको पता ना कभी आपा लोग मदीना एदन ने आना था, तो अब वो आज नहीं आ रहे क्योंकि ईशा से थोड़ी सी गलती हो गई है, उन्होंने टिकट जो करवाए वो आज के बजाय कल के करवाए, तो वो कल आएंगे रात को, इसलिए ईशा बाहर बैठी रो रही है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, लेकिन टिकट चेंज करवाने की वो कोशिश कर चुके। एक्चुअली उन्होंने सामान बुक भी करवा दिया था और जब अंदर जा रहे थे तो वो जाने नहीं हो रहा था, बोर्डिंग कार्ड नहीं मिल रहा था, तब पता चला। और जो अच्छा पता दिन में आपा से बात हुई है ना मम्मी की, तो अपन ने शायद मजाक में कह रही थी, तो बाद में बात सच्ची होगी। लेकिन अगर आप टिकट अभी चेंज करवाते हैं तो 2400 करोन फालतू देना पड़ रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं। एक दिन के लिए आप 2400 करोन दे रहे हो, तो थोड़ा सा ना मतलब क्या कह सकते हैं,
मजा खराब हो गया। आज हमने बिरयानी चढ़ानियाँ तैयार की हुई थी उनके लिए। हाँ वो तो चलो हो जाए, मतलब इतना कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे गुस्सा हो रहे हैं आप पे? कोई गुस्सा नहीं हो रहा, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। शेयर बता रहा है कि उसने एक बार सिनेमा का गलत टिकट खरीद लिया था किसी और शहर का जो बहुत दूर था। और मैं एक्चुअली पहले मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। जब ऐदन पैदा हुई थी हम बर्गिन गए थे तो हमने केक मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो जब मैं केक लेने पहुंचा तो पता चला कि वो तो अगले हफ्ते का हुआ है। हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल मिल लेंगे हम उनसे। अब पापा लोग तो इंशाल्लाह कल पहुंचेंगे, लेकिन हम होंगे अभी बिरयानियों से लुत्फ़अंदोज़। उनके लिए कल कुछ और बनाए। आयरा को ये लाइटें बहुत पसंद है, तो अगर सोफे पे लेटी भी हो तो इन लाइट्स को देखती रहती और फिर खुद दिन से बातें भी करती रहती है। आज दिन को मैंने फुटेज रिकॉर्ड की थी तो वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग खत्म करने से पहले एक सवाल का जवाब दे दूं जो कि पिछली वीडियो के कमेंट में किसी ने पूछा था, और इस तरह इससे मिलते जुलते सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। वो ये कि मतलब नॉर्वे में बेहतर जगह कौन सी है रहने के लिए जो थोड़ी सस्ती हो, और जॉब्स के लिए अच्छी जगह या अच्छा शहर कौन सा है, और इसी तरह के पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर आपने रहना है तो कहाँ रहना है। अभी जो कमेंट आया था उसमें वो लिखती हैं कि उनको मेरे व्लॉग्स देख के नॉर्वे बहुत पसंद आया है खूबसूरती के लिहाज से, और इसलिए वो नॉर्वे मूव होना चाहती हैं। तो एक और सवाल जो बहुत अक्सर किया जाता है मुझसे, वो ये है कि नॉर्वे मूव होने का तरीका, वो मैं कुछ ज़्यादा इस बारे में शायद हेल्प नहीं कर सकता। अगर कभी मौका मिला तो अलग से वीडियो बना के जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकूँगा वो शेयर कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। वो ये कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का पूछते हैं कि वो किस शहर में ज़्यादा या किस जगह पे ज़्यादा, तो वो तो ऑब्वियसली आपको ओस्लो और गिरदोनवा के इलाके जो है वहाँ देखना पड़ेगा, और यही इलाके सबसे महंगे भी हैं क्योंकि ज़ाहिर ओस्लो जो है वो कैपिटल है। सबसे ज़्यादा जॉब्स भी यहाँ आपको मिलेंगे ओस्लो और गिरदोनवा के इलाकों में, जैसे ये जहाँ हम लिलस्ट्रम रहते हैं लॉर्स्कोग हो गया या दूसरी तरफ आस्कर बैरम ये वो इस तरह। तो ओस्लो में भी ज़ाहिर कुछ इलाके बहुत महंगे हैं, कुछ थोड़े नॉर्मल सस्ते हैं, जो और पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस इलाके में रहती हैं जिन इलाकों में ज़्यादा रहती हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको आपके लिए ज़रूरी है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रहना और जहाँ जॉब्स की ज़्यादा सहूलतें हों, तो फिर आपको ओस्लो और आसपास के इलाकों में रहना पड़ेगा। वो थोड़े से महंगे होंगे अगर आप दूर दराज के शहरों में देखते हैं, लेकिन अगर आप दूर दराज के शहर में जाएंगे तो आपको बहुत कम पाकिस्तानी मिलेंगे, इक्का दुक्का पाकिस्तानी मिलेंगे। तो ये था आपके सवाल का जवाब। तो मेरे ख्याल में आज का व्लॉग फिर यहाँ पर करते हैं ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में जो कि मैं इंशाल्लाह कल बनाने की कोशिश करूँगा, जब आपा लोग और ऐदन मदीना आएँगे यहाँ इंशाल्लाह। तो तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा, जिस तरह आप सपोर्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, फैमिली को बताएं, किसी तरह मतलब पाकिस्तान में लोगों को बताएं मेरे चैनल के बारे में। इतनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, तो आप भी हमारा भरपूर साथ दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा शादोबाद रखे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा जिनू दिल च वसाइए ओनू जिंद भी बनाइए कद अख न चुराइए लगिया लाके अपना कह के सजना तू ना कद मुख पर ताइए नी लाइए जे आरिया फिर